हेलो बच्चों, साइंस का आपका चैप्टर टू की थ्योरी खत्म हो चुकी है और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस जो ब्लू कलर के टेक्स्ट में लिखे होते हैं। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में वो सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, आपको वो सारे क्वेश्चंस खुद भी ट्राई करने चाहिए। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा पढ़ाई का चैनल एनसीईआरटी मैथ साइंस 9th 10th। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, यहाँ आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा इस साइड में, ठीक है। मैं आप इधर ही रहूंगा, इस साइड में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वन बोलता है व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस किसको कहते हैं। तो आंसर वन लिखिए, क्वेश्चन वन पेज 15 पे जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस, सब्सटेंस का क्या मतलब है। उसका आंसर है अ सब्सटेंस हैज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और दूसरी, इसके आगे आप लिख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। यह है डेफिनेशन इसकी कि सब्सटेंस में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड। हमने चैप्टर में पढ़ लिया एलिमेंट और कंपाउंड, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और उन डिफरेंट अगर पार्टिकल्स हैं तो वो डिफरेंट सब्सटेंस होगा, और अगर किसी सब्सटेंस में दो तरह के पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो वो फिर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे उसको, उसको मिक्सचर या कंपाउंड या कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गई डेफिनेशन व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है आपका कार्बन, कार्बन प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गई आपकी, और क्या हो गया ऑक्सीजन, ये सब सब्सटेंस है, गोल्ड, ठीक। ये हो गए एग्जाम्पल्स, ऑलराइट, ये सब सब्सटेंस है। हमने बाद में पढ़ा था सब्सटेंस प्योर नहीं होता है तो फिर मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, सॉल्यूशंस होते हैं, कोरिलेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि मैटर तो खैर अलग ही हो गया था ना, मैटर तो अलग ही था। अगला क्वेश्चन कहता है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यार उसमें एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, होमोजीनियस यूनिफॉर्म होते हैं और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कि ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता था इसमें, इसके पॉइंट्स में ऊपर और लिख दे रहा हूं, दो तीन पॉइंट्स और याद आ रहे हैं। पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इसमें क्या होता है पार्टिकल साइज इज मीडियम और ये लाइट पास थ्रू हो जाती है, लाइट स्कैटर्स, ठीक। तीन तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया अपने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। जॉब पेज नंबर आई थिंक 18 पे क्वेश्चन दिया, उसमें भी ये रिपीट हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस खत्म हो गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 पे जो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस मिक्सचर बाय एग्जांपल। तो होमोजेनियस और हेटरोजेनियस मिक्सचर के मैंने तीन पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख दिए हैं, एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है। इसका एग्जांपल क्या क्या होते हैं, इसका एग्जांपल ये आप समझ लीजिए क्वेश्चन टू का, क्वेश्चन वन है पेज नंबर 18 का, और उसका आंसर ये है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये लिखिए इसका एग्जांपल क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर का, सॉल्ट इन वाटर। इसका एग्जांपल क्या है, मिल्क इन वाटर, ठीक है, फॉग। इसका शुगर इन वाटर। तो ये एग्जांपल हो गए, दीज आर एग्जांपल्स, यहां पे लिख दिया मैंने और यहां पे लिख दिया। तो होमोजेनियस हेटरोजेनियस के पॉइंट ऑफ डिफरेंस तीन तीन लिख दिया और दो दो एग्जांपल दे दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जो प्रेजेंट है पेज 18 पे, उसके पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आप कर दे रहा हूं डिलीट, जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन टू कहता हाउ आर सॉल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई थिंक सॉल जो है वो गलत लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पूछना चाह रहे सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस लिख देते हैं हम, यहां पे यहां लिख दिया हमने सॉल्यूशन और यहां लिख दिया सस्पेंशन। क्या क्या डिफरेंस होता है, ये होमोजीनियस होता है, ये हेटरोजीनियस होता है, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नो, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक, और कैन नॉट बी सेपरेटेड, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका क्या है, कैन बी सेपरेटेड, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में सस्पेंशन सेपरेट किए जा सकते हैं, ठीक। और क्या एग्जांपल है, स्कैटरिंग लाइट हमने दिखाई दिया, बहुत छोटा होता है बता दिया, और आप इनमें एक एक एग्जांपल दे दो इनके, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन टू भी इजिली कर सकते हो, एग्जांपल लिख देते हैं। चलो इसका एग्जांपल फिर से वही आ जाएगा अपना, सॉल्ट इन वाटर, ये हो जाएगा आपका मिल्क इन वाटर, और ये शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पर ही, जो बोलता है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 100 इज डिसॉल्व्ड इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। हमने एग्जांपल 2.1 किया था, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे होने वाला है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूट क्या है, वाटर है, कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्ट है,
कितने ग्राम है? 36 ग्राम है। कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहां पे, क्या लिखा हुआ है वर्ड? सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है बताया था एग्जाम्पल 2.1 में, फिर से बता देता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को जोड़ के बनेगा, तो कितना हुआ हमारे केस में? सॉल्यूट कितना था? 36 प्लस 100 इक्वल्स टू 136 ग्राम। कंसंट्रेशन कितनी हो गई? यहां रख लीजिए, कितना हो गया? 36 ग्राम था सॉल्यूट का मास, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास था 136 इंटू आप 100 कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस वुड गिव यू दी आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, चाहे मैं वैसे ही, और आपका सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर ग्राम लिख सकते हैं आप, या फिर केजी पर केजी, क्योंकि ये हमने ग्राम में लिया हुआ है, 36 ग्राम था और 136 ग्राम था, ठीक है? तो ग्राम पर ग्राम भी लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। ऑलराइट, चलो पेज नंबर 18 के क्वेश्चंस कर दिए हमने सारे, अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 24 की तरफ। ये कर रहा हूं मैं डिले। क्वेश्चन वन, क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? एक मिक्सचर में केरोसिन और पेट्रोल है और उनके बीच में टेम्परेचर, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन अपार्ट है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है पेट्रोल में और केरोसिन में, तो इसको कैसे अलग करोगे? और ये मिसिबल लिक्विड्स है, यानी कि एक दूसरे में आसानी से पूरी तरह से डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन। तो आपके पास केरोसिन है जिसका बॉइलिंग केरोसिन है और पेट्रोल है, और ये कैसे है? मिसिबल है। मिसिबल लिक्विड है और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? देखो मिसिबल है तो डिस्टिलेशन ही होगा, और क्योंकि 25 डिग्री से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, या फिर 25 डिग्री है तो कैसा डिस्टिलेशन होगा? सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। व्हाई? क्यों यूज करेंगे? टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वी यूज डिस्टिलेशन, ठीक है? यही हमने पढ़ा था डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। और अगर पूछा जाता है तो हम डिस्टिलेशन का सेटअप भी बना सकते हैं, ठीक? नेम दी टेक्निक। अच्छा, ठीक है, डिस्टिलेशन का सेटअप बनाओ, मैं आप लोग बना लोगे खुद ही, इजी है यार। मतलब आप ऐसा समझो कि आपके पास एक लिक्विड है जिसमें कि जो कि मिक्सचर है जिसमें कि पेट्रोल और केरोसिन है। अब आपको क्या करना है? पहले उसको बनाना होगा वेपर, वेपर बन जाएगा। अब मान लेते हैं पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, या मान लेते हैं केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो जैसे ही वेपर हुआ, ठीक है, वेपर बन गया, अब वेपरस फॉर्म में वो उड़ेगा। सबसे ऊपर लगाएंगे हम एक टेम्परेचर बैरियर जो कि होगा पेट्रोल केरोसिन के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर, तो जैसे ही केरोसिन इस टेम्परेचर बैरियर से टच होते हुए निकलेगा, यहीं पे वो कंडेंस होकर बाहर आ जाएगा।
उसके ऊपर लगा देंगे पेट्रोल के बॉइलिंग पॉइंट वाला बैरियर कंडेंसर, यानी कि चलो बता ही देते हैं यार, तो मैं इसका बना ही देता हूँ, ठीक है, इजी है, यहाँ पे छोटा सा बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ब्लैक से बनाऊंगा, ठीक है। तो आपने किया इसको लिक्विड को वेपोराइज, ये आपने फील किया वेपोराइज क्यों करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ी करना है, डिस्टिलेशन करना है ना। हाँ तो सिंपल है यार, एसजी वाला सेटअप जो अपने बुक में बनाया था हमने, ये करके फ्लास्क लिया था, ये लिया था ऊपर डाल दिया था हमने इसमें कॉर्क और यहाँ पे डाल दिया था थर्मोमीटर, याद आ गया ना, ये वाला जो सेटअप था, यहाँ पे लिक्विड है, ये हमारा कॉर्क बर्नर है, वेपर्स बनेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे क्या ग्लास बीड्स, तो क्या होगा यहां से केरोसिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो यहां पे जाएगा और यहां पे कंडेंस होके वापस आता रहेगा, पेट्रोल जो है वो फ्यूम्स पर जो ऊपर आ जाएगा, आएगा तो केरोसिन भी लेकिन यहां पे हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे ना, कंडेंसेशन ऑफ केरोसिन का कंडेंसेशन यहां पे आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमने वो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है जिसपे केरोसिन कंडेंस होता है, यानी कि केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली उससे ज्यादा कम है तो वो टेम्परेचर यहां पे कम टेम्परेचर होगा और यहां पे हम एक और कंडेंसर लगा लेंगे पेट्रोल के लिए, ये पेट्रोल के फ्यूम्स आ रहे थे, ये कंडेंस हो गए और यहाँ पे डॉट 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 टपक गई, ये हमने लगा दिया कंडेंसर फॉर तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको पेट्रोल और यहां क्या बचा रह जाएगा ठीक, यहां पे मिल गया पेट्रोल, यहां पे मिल गया केरोसिन। इसमें देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, यहां पे क्या मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, कैसा कैसे समझा, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा यानी कि जो कम होगा, जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी कि जो कम टेम्परेचर पे ही वेपर बन जाएगा वो यहां है, क्योंकि यहां पर ज्यादा टेम्परेचर और ऐसा ये टेम्परेचर जो है वो ऐसे करके है, यहां पे टी मिन है, यहां पे टी मैक्स है, तो यहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे जो कंडेंस होता है वो है केरोसिन, वो यहीं गिरता रहेगा, जो कम टेम्परेचर पे कंडेंस होता है वो है पेट्रोल, तो पेट्रोल इसमें आएगा और यहां कंडेंस होकर इधर गिरेगा, समझिए ना, ये चीज आप समझ लो, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, समझने के लिए बहुत आसान है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम और यहाँ है ज्यादा टेम्परेचर, यहां से यहां तक धीरे धीरे घटता जा रहा है, ग्रेजुअली घट रहा है, ठीक है, चलो काफी डिटेल में समझा दिया है, चलो समझ में आ चुके बस, अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड पार्ट, ये डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिर्फ नाम पूछा इन्होंने, नेम द टेक्निक टू सेपरेट वन बटर फ्रॉम कर्ड, बटर को कर्ड से सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, सिंपल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक, सेकेंड क्यों हमने बटर से कर्ड को सेपरेट करने के सेंट्रीफ्यूगेशन की यूज किया, हमने घर में भी देखा ही ना यार, घर में भी देखा ही है ना, और एग्जाम्पल भी यही था सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो इतना तो हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है, और मेन रीजन इसका यह है
क्यों होगा सेंट्रीफ्यूगेशन? अरे भैया, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन कहां यूज होता है? जहां पे दो सब्सटेंसेस की डेंसिटी में काफी फर्क हो और वो सस्पेंशन हो। तो कर्ड एक सस्पेंशन होता है, कर्ड में बटर पड़ा हुआ था, लेकिन बटर की डेंसिटी और कर्ड की डेंसिटी में फर्क होता है, इसलिए जब उसको ऐसे ऐसे करके रोटेट करते हैं, मसते हैं, तो कर्ड अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, नमक को कैसे दूर करते सी वाटर, सी वाटर से क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों, क्रिस्टलाइजेशन क्यों है? क्योंकि जो अपना सॉल्ट होता है वो सॉलिड प्योर सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल बनाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस जिससे मसाले से अलग कर सकते हैं। वैसे हम एवापोरेशन से भी अलग कर सकते हैं, एवापोरेशन लेकिन काफी कॉस्टली प्रोसेस होगा। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर, कैम्फर समझते हो ना, कपूर। अच्छा, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? दोनों सॉलिड है और दोनों में से एक सॉलिड जो कि कैम्फर है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करता है, यानी कि कैम्फर को जब भी गर्म करोगे तो सब्लाइम होकर के वेपर बन जाएगा। तो हम इसमें कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं? सब्लिमेशन वाला। ठीक, हो गया खत्म क्वेश्चन टू। चलो भैया, अब अपने पास क्वेश्चन थ्री आया है। क्वेश्चन थ्री क्या कहता है? क्वेश्चन थ्री कहता है What type of mixture are separated by technique of crystallization? Crystallization की technique से हम क्या करते हैं? हम इसमें दो काम कर सकते हैं। अगर separation की बात करते हैं ये, तो separation होता है of substances, we can separate substances which form क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल बनाते हैं इन विच फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, जो प्योर होते हैं तो क्रिस्टल बनाते हैं। इस टाइप के सब्सटेंसेस को हम लिक्विड में अगर वो डिसॉल्व है तो उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक, चलो, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन जो थे पेज नंबर 24 के, वो भी खत्म हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, पेज नंबर 24 पर ही एक और क्वेश्चन सेट दिया हुआ है जो कि काफी बड़ा है। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन पेज नंबर 24 पर ही दिए हुए हैं, लेकिन एक अलग क्वेश्चन सेट है, पेज 24 ही रहेगा। वापस से हम पहुंच गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। बड़ा सा है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमको केमिकल और फिजिकल चेंजेस की फॉर्म में क्लासिफाई करना है। क्या क्या है? कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को काटना केमिकल है कि फिजिकल है? फिजिकल है कि केमिकल है? बता बता यार, मेरे हिसाब से तो ये फिजिकल है, क्योंकि केमिकल चेंज हो नहीं रहा। ठीक, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि केमिकल है, और उसका उनका लॉजिक ये है कि ये इजीली रिवर्सिबल नहीं, एक बार पेड़ कट गया तो वापस तो आ नहीं सकता ना, तो ये भी पॉइंट है कि वो केमिकल चेंज है, लेकिन एक्चुअल में फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल स्टेट ही तो पेड़ की बदल रही है। ऐसे खड़ा था, कट के गिर गया, फिजिकल चेंज। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बटर का पैन में जो पिघलना होता है वो कैसा चेंज है? केमिकल है कि फिजिकल है? फिजिकल है। क्यों? क्योंकि बटर पिघलने के बाद भी रहता तो बटर ही ना, कुछ बदल तो जाता नहीं है। जब तक उसकी प्रॉपर्टीज नहीं बदलती तब तक वो फिजिकल ही रहेगा। रस्टिंग ऑफ अल्मीरा, जब लोहे की अल्मीरा होती है उसमें रस्टिंग लग जाती है, ये केमिकल है कि फिजिकल है? यह केमिकल। अब लोग बोलेंगे कि सर, जंग लगने के बाद भी तो अल्मीरा अल्मीरा जैसी रहती है ना। हाँ ठीक है, अल्मीरा जैसी रहती है, लेकिन जिस पार्ट में जंग लग गया ना वो कभी वापस नहीं हो सकता। ठीक, उसको केमिकल प्रोसेस से ही ट्रीट करना पड़ेगा तभी वो ठीक हो। ठीक है, जंग होती क्या है बेसिकली? आयरन जो होता है ना, आयरन अलमारी में, आयरन लोहे की अगर अलमारी है तो रस्टिंग क्या होती है? ऑक्सीडेशन होता है।
आयरन को हवा और पानी मिला और जंग लग गए, तो केमिकल प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये चेंज भी केमिकल चेंज है। ठीक। चौथा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, पानी को बॉइल करना और स्टीम बनाना, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। पांचवा क्या बोलता है? पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं पानी से, वहां तक तो फिजिकल चेंज है, लेकिन पानी के से इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से पानी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो फिर ये केमिकल चेंज हो गया। अगर पानी ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो फिजिकल चेंज है, फिर तो कोई चेंज ही नहीं है, पानी से करंट पास हो गया। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वॉटर, सिक्स नंबर, ये कैसा चेंज है? फिजिकल है। क्यों फिजिकल है? कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, पानी को उसका तो नमक वापस मिल जाता है। ठीक है। मेकिंग फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट, फ्रूट सैलेड बनाना, कैसा चेंज है? फिजिकल है या केमिकल है? यार फ्रूट्स थे, हमने उसको काटा ही तो है, कोई केमिकल चेंज तो किया नहीं उसके साथ। हाँ, वो तब हो सकता है केमिकल चेंज जब हम उसमें नमक वमक मिलू के और सारा टेस्ट बना ले, तो हो सकता है शायद थोड़ा बहुत केमिकल चेंज हो, अभी तो फिजिकल चेंज। एट नंबर, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर या वुड को जलाना, कैसा चेंज है? केमिकल। क्यों है केमिकल चेंज? क्योंकि पेपर या वुड जलने के बाद वापस पेपर या वुड नहीं बन सकते, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है यार। ठीक। अच्छा, अब इनका आखिरी क्वेश्चन जो है, जो आपके चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो आपके अराउंड जो सब चीजें पड़ी हुई हैं, उनको प्योर और मिक्सचर, इस तरह से हमें कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो समझते हैं। मेरे हाथ में पेन है, इस पेन में प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को हम कैटेगराइज करते हैं एज अ, पता नहीं यार मिक्सचर होगा कि प्योर होगा, मेरे हिसाब से तो प्योर होगा, पॉलीमर होता है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस होगा। ये छत में जो पेंट हो रखा है, ये डेफिनेटली एक मिक्सचर होगा। ठीक, मेरे बगल में लाइट्स चल रही है, इनमें ग्लास है, तो ग्लास भी प्योर सब्सटेंस होगा, हो सकता थोड़ा बहुत मिक्स भी हो। और जो जिस कारपेट पे मैं खड़ा हूँ, वो कारपेट तो मेरे हिसाब से मिक्सचर है, क्योंकि उसमें डस्ट वस्ट भी पड़ी हुई है, काफी सारी चीजें इम्प्योरिटीज भी पड़ी हुई है, वो मिक्सचर। ठीक है, और क्या चीज है, ये बोर्ड है, ये भी किसी सब्सटेंस का बना हुआ है, मुझे नहीं पता किस सब्सटेंस का बना हुआ है, काफी चांस है कि ये प्योर सब्सटेंस हो या फिर मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, अब यह श्योर नहीं है, ऐसे हम देख के नहीं बता सकते, मेरे पास एक बॉटल है जिसमें पानी पड़ा हुआ, पानी डिस्टिल्ड तो है नहीं, तो वो भी एक मिक्सचर हुआ। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप अपने घर में पड़ी हुई चीजों को सबको मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर में कैटेगराइज करिए, मजा आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेड़ क्या है? मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंस है, मिक्सचर है, तरह तरह की चीजें पड़ी हुई, पानी भी है, पोटेशियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, तो मिक्सचर हुआ। ठीक है, सॉइल क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, मेरे यहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई, कुर्सी क्या है? मिक्सचर है, काफी सारी चीजों से मिल मिल के बनी हुई है, तो मिक्सचर हुआ, उसमें आयरन भी होगा, उसमें क्लोथ भी लगा हुआ है ना, और उसमें प्लास्टिक के आइटम्स भी लगे हुए हैं, और प्लास्टिक के आइटम में भी तरह तरह की प्लास्टिक और इम्प्योरिटीज पड़ी हुई है, तो सब मिक्सचर है। ठीक है, तो इजी है, आप करके देखेंगे मजा आएगा। चलो ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम हर दिन नए वीडियोस लेके आ रहे हैं, अब तक 15 वीडियोस आ चुके हैं चैनल पे, 9th 10th की मैथ साइंस यही कंप्लीट होगी दिसंबर तक। धन्यवाद।